नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकनसो एनर्जी, और हम आ गए आजमगढ़ में फिर से, जो पहला जो वीडियो डाला था उसका सेकेंड पार्ट शूट करने के लिए। और यहाँ पे मेरा बैटरी लगना बाकी था, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से आया हूँ। और इस पार्ट में आपको बताने वाला हूँ कि जो बाईफेसल सोलर पैनल लगा है उसका जो बेनिफिट्स क्या है और उसके नुकसान क्या है, बाईफेसल क्यों लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए। प्लस यहाँ जो इन्वर्टर लगा है गैलेक्सी 6G 8 kW 3 फेज वाला, उस पर हम लिथियम फॉस्फेट बैटरी लगा रहे हैं ओकाया का, तो उस पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्लस कितना लोड सस्टेन कर पा रहा है, और उस पर हम फैक्ट्री चलाने वाले हैं, फैक्ट्री के कौन सा मोटर चलाने वाले हैं, वो सारे सेटिंग मैं बताने वाला हूँ। आप पूरा लोड चला के दिखाऊंगा आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको जो टच कर लीजिएगा, ताकि आपको फट से मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ आपका वीडियो अपलोड हो गया, आप देख सकते हैं, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ये पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। और हाँ, ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बाईफेसल के बारे में पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे इसका करना चाहिए इंस्टॉलेशन, प्लस इसके जो नुकसान है और इसके जो बेनिफिट्स है उसके बारे में, प्लस कौन सी कंपनी बना रही है, कितना कॉस्ट तक आपको पैनल मिल जाएगा, और ये पूरा सेटअप लगाए उसके भी कॉस्टिंग के बारे में बताएंगे। वारी कंपनी का 445 वाट वाला बाईफेसल पैनल लगा है, तो ये बाईफेसल के जो बेनिफिट्स है उसके बारे में बता रहे हैं। तो बाईफेसल का जो बेनिफिट्स क्या है, अगर इसको इंस्टॉल कर लिए, लगभग आप हर एरिया का, हर जगह का अपना अपना लैटिट्यूड एंगल होता है, तो उस लैटिट्यूड एंगल के अनुसार आप इसको पहले इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो सरफेस है, उसके नीचे का जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये चिकना होना चाहिए, और प्लस इसका पेंटिंग कर दीजिए। पेंटिंग इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जब सनलाइट इस पर पड़ेगा तो सनलाइट क्या होगा, जो सरफेस अगर चिकना रहेगा तो इस पर से रिफ्लेक्ट होकर के इस फिर से जो बैक साइड का, जो ये जो बैक साइड आपको दिख रहा है ग्लास है, इस पर पड़ेगा, जिससे क्या होगा, इसका एफिशिएंसी कम से कम 5 से 30% तक, लगभग 5 से 10, 15, 25, मतलब जितना अच्छा आपका सरफेस रहेगा उतना ज़्यादा लाइट परावर्तित होगा और इस पर पड़ेगा, जिससे आपका एफिशिएंसी क्या है, बढ़ जाएगा, पावर आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर ये तो 445 वाट का पैनल है, अगर इस पर अगर लाइट पड़ गया, अगर जितना ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगा इसे पड़ेगा, तो लगभग पकड़ के चलिए कम से कम 500 वाट तक इसका एफिशिएंसी जा सकता है, 500 वाट तक जरूर जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपका ये सरफेस वो चिकना होना चाहिए, सतह चिकना होना चाहिए, न कि ज़्यादा हाइट होना चाहिए। ज़्यादा हाइट होने से आपका जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा इस पर, वो लाइट इधर उधर कट हो जाएगा। लेकिन अगर हाइट इसका कम है, सतह चिकना है, तो आपका जो लाइट है परावर्तित होकर के इस पर पड़ेगा और जिससे आपका एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव हो जाएगा। हाँ, इसके जो बेनिफिट्स है उसके बारे में बता रहे हैं, तो बेनिफिट्स यही है, क्योंकि जो कम जगह में अगर ज़्यादा पावर जनरेट करना चाहते हैं तो ये वाला पैनल लगा सकते हैं। लेकिन इसके जो नुकसान है वो है ये आम पैनल के गुने में ये थोड़ा हेवी होता है, वजनदार होता है, प्लस इसमें दोनों साइड से ग्लास लगा रहता है, जिससे टूट फूट का, मतलब डैमेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। प्लस ये आम पैनल से ये महंगा होता है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो ये महंगा होता है। किसी भी कंपनी का अगर बाईफेसल पैनल लेते हैं तो आपको 35 रुपये से लेकर के आपको 45 रुपये वाट के अनुसार आपको मिलेगा। अगर विक्रम का लीजिए ले रहे हैं, वारी का ले रहे हैं, लूम का ले रहे हैं, मतलब किसी भी कंपनी का ले रही है, अदानी का सबसे सस्ता मिल जाएगा आपको, अगर किसी भी कंपनी का लीजिए, लेकिन आपको 35 रुपये से लेकर के 45 या 50 रुपये वाट के हिसाब से आपको ये बाईफेसल पैनल मिलेगा। वही अगर आप पॉली पैनल लेते हैं तो आपको 24 रुपये 25 रुपये 26 रुपये 28 रुपये तक आपको किसी भी कंपनी का आपको मिल जाएगा, लेकिन बाईफेसल आपको महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास जगह ज़्यादा है, जगह सफिशियंट है, और अगर मोनो पैनल लगाना चाहते हैं, तो जो 400 वाट वाला जो पैनल आता है और 395 वाट या 380 वाट का जो पैनल आता है, मोनो पार्क जो आता है, वो भी आप लगा सकते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आप पॉली के बदले आप मोनो लगा लीजिए और बाईफेसल के बदले वो लगा सकते हैं, क्योंकि उसका कॉस्ट कम रहेगा। पॉली के बदले थोड़ा सा महंगा रहेगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा सस्ता रहता है, तो आप वो प्रीफर कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पैनल है, इस पैनल का जो पूरा जो प्लस एक तरफ, माइनस एक तरफ, ठीक है, जिससे जो स्ट्रिंग बना, जो नोड बना है, प्लस नोड माइनस नोड, वो डायोड के द्वारा सेपरेट हुआ है। और डायोड जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही दिशा में करेंट को फ्लो कराने के लिए उसको जाना जाता है,
और वो करंट को ब्लॉकिंग भी करता है, वो बैक करंट नहीं आने देता है, इसलिए इसीलिए डायोड का इसमें यूज किया जाता है, क्योंकि ये मतलब डीसी एम्पियर है, डीसी करंट है, और वो बैक नहीं मारे, बैक करंट नहीं आए, इसीलिए डायोड को उसमें लगाया जाता है, डायोड के द्वारा फ्लो कराया जाता है ताकि करंट ब्लॉकिंग भी करे, प्लस यहाँ से अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर ये दोनों को अगर जोड़ भी देते कि अगर गलती से ज्वाइंट भी हो जाता है तो इस पैनल को बचा के रखें, वो यानी बैक करंट नहीं मारे, अगर यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस है अगर जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या होगा, सर्किट बन जाएगा और ये बाईपास करने लगेगा और इस ये जल जाएगा, और इस सब से बचाने के लिए इसमें डायोड लगाया जाता है, क्योंकि वो बैक करंट नहीं मारेगा, अगर जोड़ भी देते हैं तो प्लस जो है माइनस के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहाँ पे डायोड लगा हुआ है, और इसीलिए आप निश्चिंत रहिएगा कभी भी, क्योंकि ये पैनल कभी ख़राब नहीं होता इसी सब वजह से, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है यही सब बचाने के लिए। कस्टमर का इशू आया था कि पैनल जो है डिसकलर हो जाता है, तो पैनल अगर डिसकलर हो रहा है तो वो जो उसके अंदर का जो सेल है, जो बफर है, वो क्या है, मतलब आपका जो लोकल बफर जो दे देता है, लोकल सेल यूज कर देता है, इसके वजह से वो डिसकलर होने लगता है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपका जो सेल यूज किया गया है आपके पैनल में वो बी ग्रेड का पैनल है, ठीक है, वो जो कि डिसकलर हो रहा है, और इजीली आप उस सबसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों मेरा मोटिव यही रहता है कि आपको एक्चुअल में जो हैपन है, जो एक्चुअल में हो रहा है उसके बारे में बताऊं, न कि ऊपर ऊपर की बातें बता दिया, उसे कमियों के बारे में बताया ही नहीं। तो हम जो पैनल लगाते हैं वो कस्टमर के डिमांड के अनुसार लगाते हैं, हम कस्टमर को ये नहीं बोलते कि आप ये अच्छा है ये ले लीजिए, हम हर चीज़ के बारे में, हर प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, हर कंपनी के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम हर कंपनी का प्रोडक्ट लगा चुके हैं, और कौन ज़्यादा अच्छा सर्विस देता है, किसका मतलब कॉन्टैक्ट पर्सन ज़्यादा अच्छा है, और किसका कस्टमर मतलब सेटिस्फाइड है, किसका अगर लगाने के बाद आपको सर्विस एट ए टाइम मिल जाता है, तो ये सब हम कस्टमर को बताते हैं, उसके बाद ही हम कोई प्लान डिसाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे अगर लगवाना चाहते हैं, हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, या हमसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, या हमसे पूरा सिस्टम लगवाना चाहते हैं, मेरे पास वारे, विक्रम, लूम, लुमिनस, यूटीएल, अदानी, ये सारे मतलब जितने भी कंपनीज है उस सारे कंपनी का आपको मेरे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम लेटेस्ट से लेटेस्ट जो प्रोडक्ट है, जैसे कि लिथियम बैटरी, लिथियम फॉस्फेट बैटरी हो गया, ओकाया का हो गया, ऑटोबैट का हो गया, सेलेक्ट्रॉनिक का हो गया, सेलकोनी का हाइब्रिड इन्वर्टर हो गया, उसके बाद बाईफेसियल पैनल्स हो गए किसी भी कंपनी का, उसके बाद यूटीएल का जो जीरो ट्रांसफर टाइम वाला जो इन्वर्टर्स है, वो सारे इन्वर्टर्स है, जैसे कि आईटी मोड वाला इन्वर्टर्स हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट है, वो सारे अवेलेबल है मेरे पास। तो अगर आप हमसे परचेज करना चाहते हैं, या हमसे जुड़ना चाहते हैं, या हमसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हमसे आप बात कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये मेरा जो नंबर है वो आपको हम नीचे लिख करके दे देंगे, प्लस आपको साइड में आपको बिलिंग करता मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो कृपया इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी करते रहिएगा, ताकि आपके जो चाहने वाले हैं उसको भी ये बेनिफिट मिल सके, उसको भी ये जानकारी मिल सके, और जो एक्चुअल जानकारी है वो मिल सके। ये ना कि कोई भी मैंने कोई भी प्रचार के बेसिस पे या किसी भी कंपनी का प्रचार करने के बेसिस पे मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। अभी हमारा जो फाउंडेशन जो बन के रेडी हो गया था, उसके बाद जो प्लास्टर और सिविल वर्क बाकी था वो भी अब कंप्लीट हो गया है, सिर्फ इसमें पेंट होना बाकी है। हम लोग फाइनल कनेक्शन करने आए हैं, इसमें थोड़ा साफ़ सफाई देखिए, थोड़ा धूलकन पड़ गया है, तो यही करना रहता है, साफ़ सफाई ही करना रहता है, देख रहे हैं धूलकन पड़ गया तो इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे साफ़ कर देना रहता है बस। और इसमें अब पेंटिंग करवा देंगे ताकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगा, ताकि बाईफेसियल का फ़ायदा मिल सकेगा, क्योंकि सबका कहना रहता है कि बाईफेसियल का फ़ायदा कैसे मिलता है, तो बाईफेसियल का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आपका सरफेस सही रहेगा। आप हाइट पर लगाइए या कम हाइट पर लगाइए, क्योंकि जब सन लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके जब आउट हो जाएगा सोलर से, और वही जब फिर से जब रिफ्लेक्ट होके फिर से जब सोलर पे पड़ेगा, तो उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा।
लाइटिंग अरेस्टर का अर्थिंग कर रखा था, बस इनका जो रेलिंग है वो बनने का है, रेलिंग के ऊपर ही ये जो है इंस्टॉल होगा, तो यहाँ हमने इनको दे रखा है, जब रेलिंग इनका बन जाएगा तो वो इंस्टॉल कर लेंगे। अभी हमारा जो बैटरी है लिथियम फॉस्फेट बैटरी ओकाया का, वो आ चुका है, अब उसको इंस्टॉल करना है। ये जो बैटरी वायर है, ये इसका नोड है, तो इसका जो कनेक्शन, ये जो वायर है बैटरी का, ये मोटा है, और ये जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी का जो वायर है ये 16 mm का दिया है, और ये जो है 50 mm है, तो इसके नोड भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी वायर में इसका जो लास्ट छोर है इसमें और इसके साथ इसका जो आ रहा है, इसको दोनों को नट बोल्ट से हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा है इसके वजह से। और फिर इसको अच्छे से टेपिंग कर लेंगे। ये बैटरी का टेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, तो ये जो बैटरी है ये 51.2 वोल्ट एंड 100 एम्पियर है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इस बैटरी को चार्ज करना है कितना, 30 एम्पियर से, और डिस्चार्ज करना है मैक्सिमम 50 एम्पियर से, ठीक है। और अगर डिस्चार्ज ओवर प्रोटेक्शन जो इसमें दिया हुआ है वो कितना है, 250 एम्पियर पर इसका ओवर प्रोटेक्शन सब यहाँ पर दिया हुआ है, इससे ज़्यादा जाएगा तो अपने आप वो ट्रिप कर जाएगा, इसका जो BMS है उस पर ये काम करेगा। और इसका जो DOD है वो कितना है, 80% और 90% भी हमको इसको हम सेट कर सकते हैं, मतलब 20% हमको कम 20% या 10% हमको, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, एब्जॉर्ब रखना है, ठीक है, एडवांस रखना है रिचार्ज होने के लिए, तो हम इसको DOD सेट कर सकते हैं या तो 80% पे या 90% पे। साइज़ जो है वो इशू आ रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों वायर जो है दोनों को एक साथ यहाँ नट बोल्ट से टाइट कर लिया है। कस्टमर का कहना था कि अभी फ़िलहाल ऐसे कर दीजिए, हम लोग जो ये फाउंडेशन जो बन जाएगा तो हम ऊपर से करेंगे, ये चूँकि नट जो बोल्ट है वो खुल नहीं रहा था हमारा, और इसको भी टाइट कर लिया। बस अब क्या कर रहे हैं, इसको ये जो प्लस माइनस है इसके साथ जो प्लस माइनस है इस बैटरी का, ये दोनों हम जोड़ देंगे। और उसके बाद ये जो स्क्रीन है, जो जो बैटरी का जो मीटर है इसको भी जोड़ लेंगे, ठीक है, तभी जोड़ने जा रहे हैं। इस दोनों को एक साथ प्लस माइनस दोनों का प्लस प्लस और माइनस माइनस एक साथ जोड़ रहे हैं। जोड़िए ठेली कस के, प्रेस कीजिए उसको, कस के प्रेस कीजिए। ये जो है अब अंदर प्रेस करने के बाद ये लॉक हो गया है। अब बैटरी वायर जो प्लस से प्लस और माइनस से माइनस कनेक्ट हो गया है, मतलब बैटरी हमारा कनेक्ट हो गया। अब ये जो बैटरी मीटर है, इस बैटरी मीटर को कनेक्ट कर रहे हैं, इसको जोड़िए। तो फिलहाल क्योंकि इसको हैंग करना है, तो हैंग बाद में करेंगे, पहले हम जोड़ लेते हैं। कनेक्ट किए तो हमारा जो मीटर है उसमें लाइट आ गया, और इसमें जो रीडिंग है वो दिखाने लगा। ये जो बैटरी है वो 85% चार्ज है, ओकाया लिथियम बैटरी। और ये बटन है, इस बटन से इसको आगे लाइट आगे इसमें बढ़ा सकते हैं कि क्या क्या देखना को देख सकते हैं। तो 52.2 वोल्ट है भाई बैटरी का, अभी चार्जिंग डिस्चार्जिंग कुछ हो नहीं रहा क्योंकि लोड कनेक्ट नहीं अभी है, ठीक है। इससे हम अपनी जगह के हम इसको देख सकते हैं, मतलब हमारा ये कनेक्शन बैटरी का ओके हो गया है। अब ऑन कर लेते हैं सोलर को, चूँकि हमारा बैटरी जब यदि हमें जुड़ गया है तो हम सोलर ऑन करते हैं। ऑन कर दिए सोलर को, DC स्विच ऑन किया, इन्वर्टर ऑन हो रहा है, इन्वर्टर ऑन हो गया है, बैटरी भी शो कर लिया है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा जो बैटरी है वो कनेक्ट ले लिया है, 52.8 वोल्ट हमारा बैटरी है, और उसका टेम्परेचर सेंसर भी कनेक्ट करना है, ये सब कनेक्ट ले लिया है। अब हम ऑन कर लेते हैं इन्वर्टर को, तो इन्वर्टर को हम ऑन कर रहे हैं। इन्वर्टर को जैसे ही ऑन किए, लगभग 10 से 12 सेकंड का टाइम लिया, और ये हमारा जो इन्वर्टर है और बैटरी जो है ऑन करना ऑन हो गया है, और चार्जिंग शुरू हो गया है। अभी हम लोड नहीं डालें इसलिए लोड इसमें ऑन नहीं है, बट यहाँ स्मार्ट दिखा दिया, जैसे ही लोड ऑन करेंगे नीचे से तो ये हमारा यहाँ पे भी दिखाने लगेगा। ना चाहिए हमको चार्जिंग के लिए पावर, उतना इक्वली अप्रॉक्स इक्वली ही जनरेशन दे रहा है, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग से, PV1 PV2 से। कस्टमर का हमेशा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या अगर हमारा लोड नहीं चल रहा है, ठीक है, लोड रन नहीं हो रहा है, बैटरी हमारा फुल चार्ज हो गया है, तो क्या इस केस में सोलर जो है
ओवरफ्लो चार्ज करेगा, बैटरी को ओवर चार्ज करेगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा देर पहले जब बैटरी कम चार्ज था, हाफ चार्ज था, तो सोलर से पावर जनरेट करके बैटरी को चार्ज कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो गया है, लगभग 98% चार्ज हो गया, तो बैटरी क्या है, बैटरी को चार्जिंग ये छोड़ दिया है, ठीक है, और सोलर ऑटोमेटिक रुक गया है, मतलब जनरेशन जो है बर्न हो रहा है। हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे तो वो लोड जब कनेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पूरा के पूरा जो जितना लोड चलेगा उसके अनुसार ये यहाँ पे जनरेशन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर बैटरी डाउन होता है तो फिर बैटरी चार्ज भी करना शुरू करेगा, मतलब इसमें ऑटोमेटिक हर चीज़ कंट्रोल डिवाइस लगा हुआ है। यहाँ पे बैटरी जो दिखा रहा है कि हमारा 98% चार्ज हो गया है, इसलिए हमारा जो वो जो जो सोलर का जो चार्जिंग है वो रुक गया है। अब जान लेते हैं इसके सेटिंग के बारे में। तो सेटिंग में करना क्या है कि पहले तो हमको जाना है सेटिंग मोड में। सेटिंग मोड में कहते हैं हम पहले हमको सिलेक्ट करना है बैटरी वाला, क्योंकि बैटरी हम नया बैटरी लगा रहे हैं इसलिए। तो चूँकि यहाँ पे BMS का जो कम्युनिकेशन वायर है वो नहीं जुड़ा है, इसलिए हम इसको वोल्टेज पे सिलेक्ट किए हैं, वोल्टेज पे। ये 100 एम्पियर का है, इसलिए 100 एम्पियर कर दिए। और इसका जो चार्जिंग है, जो बैटरी का जो मैक्सिमम चार्जिंग एम्पियर जो है वो है मात्र 30 एम्पियर, इसलिए यहाँ पे 30 एम्पियर किया। और मैक्सिमम डिस्चार्जिंग एम्पियर जो है वो है मात्र 50 एम्पियर, इसलिए 50 एम्पियर सेट करके और बैटरी को एक्टिव करके यहाँ पे सेव करके बाहर निकल गया, ठीक है। अब जाएंगे फिर से बैटरी वाले मोड में, इसके सेकेंड पेज में जाएंगे। सेकेंड पेज में आ गए, सेकेंड पेज में हमको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ ग्रिड ऑलवेज ऑन कर देना है, जनरेटर को ऑन नहीं करना है, यहाँ सब कुछ जो पहले सेट है पैरामीटर वही छोड़ देना है। अब जाते हैं लास्ट पेज में, इसके थर्ड पेज में गए, बैटरी सेटिंग के थर्ड पेज में गए। तो यहाँ पे फ्लोट वोल्टेज जो है हमको करना है 51.5 एम्पियर, 51.5 वोल्ट करना है। यहाँ पहले 55.5 था, तो इसको हम 51.5 कर लिए, और ये तीनों को 51.5 कर लिए इस बैटरी के अनुसार। उसके बाद शट डाउन वोल्टेज, लो वोल्टेज एंड रीस्टार्ट वोल्टेज दोनों को हम सेम कर लिए 47.5 वोल्ट पे, ठीक है। ये करने के बाद इसको फिर से सेव करके बाहर निकल जाएंगे, इतना सा सेटिंग है। उसके बाद वर्क मोड में जाएंगे, यहाँ पे जीरो एक्सपोर्ट टू लोड करेंगे। आज जितना जो सोलर लगाए हैं उतना हम यहाँ पे सोलर पावर सेट कर दिए, इतना सोलर लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर जो है, मैक्सिमम सेल पावर है वो भी डाल दिए, और यहाँ पे यहाँ चाहे तो इसको जीरो डाल सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना हम डाल देते हैं। जीरो एक्सपोर्ट पावर हम 20 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस डालना यहाँ है कि बैटरी को हमको फर्स्ट पहले चार्ज होना चाहिए, तो बैटरी का जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे कितना पावर हमको रन कराना है, तो लगभग 8 किलोवाट का सोलर मतलब इन्वर्टर है, तो 8 किलोवाट का लोड रन होना चाहिए, इसलिए यहाँ 8 किलोवाट डाल दिए। उसके बाद इसे सेव करके बाहर निकल गया, फिर से गया इस मोड में। अगर अब जाते इसके सेकेंड में, सेकेंड फेज में, तो हमको अभी ग्रिड कनेक्ट ही नहीं हुआ है, ग्रिड का कनेक्शन ही नहीं दिए हैं, इसलिए इस मोड से हमको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इसे बाहर निकल जाते हैं। अब गए जेन पोर्ट में, तो जेन पोर्ट में हमको स्मार्ट लोड ऑन कर देना है, तो स्मार्ट लोड ऑन कर दिए, जनरेटर ऑन नहीं करना है, स्मार्ट लोड ऑन कर दिए। ग्रिड अवेलेबल नहीं, इसलिए ग्रिड को टच नहीं किए। फ्रीक्वेंसी जो है इसको हाईएस्ट कर दिए। यहाँ जो ऑन ऑफ वोल्टेज है, तो ऑफ वोल्टेज रखेंगे 47.5 और ऑन वोल्टेज रखेंगे 51.5 वोल्ट। बेसिक सेटिंग कर अगर देखें तो बेसिक सेटिंग में यहाँ पे जो ईयर है वो ठीक है, मंथ भी ठीक है, और डेज जो है वो गड़बड़ है, तो इसको डेज को बढ़ा देंगे। आज हो गया 12 कर दिए। उसके बाद जो आवर जो है टाइम, तभी इसको ना 24 आवर ना करके हम 12 आवर का सेटिंग करते हैं। और हमारा जो टाइम हो गया अभी 1:04 है, मतलब 1 PM 4 मिनट PM कर दिए और सेट कर दिए। देखते हैं टाइम आया कि नहीं, तो टाइम आ गया। अभी आपका इसका ओवन चल रहा है, ढाई एच पी है,
2.5 HP का ओवन चल रहा है, इसमें बैटरी और सोलर दोनों कंबाइन कर लिया है। डायरेक्ट सोलर है ना ओवन, ये सारा मोटर जो है ये सोलर पे रन हो रहा है अभी ओवन से। लाइट भी चालू चला रहे हैं, प्लस इनका जो ओवन है वो भी चला रहे हैं, तो यहाँ जो पावर है वो लगभग 1.6 किलोवाट का चल रहा है, जिसमें से सोलर जो है लगभग 1 किलोवाट का सोलर ले रहा है और जो बाकी पावर जो बच रहा है वो बैटरी से ले रहा है। देख रहे हैं पूरा मिक्सिंग हो रहा है और टाइम हो रहा है अभी हमारा 5 से ज़्यादा हो गया है, 5 बजे का शाम हो गया है और ज़्यादा टाइम हो गया है, फिर भी हमारा जो लोड है ईजिली चल रहा है। यहाँ से हमारा स्मार्ट लोड ऑन है और ये ट्रिपल फेज है, तो हम क्या किए हैं यहाँ से जो न्यूट्रल है वो 3 वायर लिए हैं और हर फेज का एक एक वायर लिए हैं और इसको हम 3 फेज में यानी कि 3 फेज का सेपरेट कर लिए हैं। ये एक फेज के लिए लाइट गया, दूसरे फेज के लिए और ये तीसरे फेज के लिए गया और यहाँ से हमने जोड़ा है इनका फैक्ट्री का जो ओवन है उसका कनेक्शन हमने यहाँ से कर लिया है और ओवन का कनेक्शन हमने चेंजर के थ्रू किया है। यहाँ से गया चेंजर में, चेंजर के इनपुट में ऊपर में और यहाँ से आउटपुट गया ओवन के कनेक्शन में और नीचे में दे दिए लाइट। अगर इमरजेंसी में अगर लाइट से सप्लाई देना हुआ तो लाइट से भी सप्लाई ये दे सकते हैं। अभी रात का 8 बज गया और बैटरी जो है 58% चार्ज है और हमारा जो वायरिंग का जो काम है वो अभी थोड़ा चल रहा है, पाइप थोड़ा घट गया, वायर घट गया इसलिए वायर लटका हुआ दिख रहा है आपको। इसे भी धुंध लगा है लेकिन थोड़ा सा सनलाइट निकला है तो चार्जिंग भी ले लिया है। लोड जो है थोड़ा सा जो बल्ब जो जल रहा है वो बल्ब भी जलने लगा है, वो फिर आपको दिखा देता हूँ। देखिए सोलर से चार्जिंग ले रही है, 4% पे बैटरी चला गया था, चूँकि लिथियम बैटरी है तो 4% गया, 1% पे भी जा सकता है, उतना तक यूज होता है। देख रहे 4% चला गया था, ये बैटरी चार्जिंग लेने लगा है। ठीक है चलिए आपको लोड दिखा देते क्या क्या चल रहा है। लाइट जलने लगा, इससे पहले लाइट कटा हुआ था बैटरी डाउन होने की वजह से। लोगों के मन में डाउट रहता था कि अगर लिथियम बैटरी लगाते हैं तो कि हमको कितना बैकअप देगा, तो उस वो बैकअप तो आपको बहुत ज़्यादा देता है, तो यही लिथियम बैटरी का खासियत है। और ओकाया इसलिए मैंने दिया क्योंकि यहाँ लोकल में सब सर्विस मिल जाता है और अपने इंडियन ब्रांड है और इस सबसे पता ये चलता है कि हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो पूरा सक्सेसफुल है और इस इन्वर्टर पे जो बैटरी भी है जो लिथियम बैटरी वो भी एकदम सक्सेसफुल हो गया है, पूरा लोड रन हो गया है। तो पावर दिखा रहा हूँ अभी, टाइम्स लगभग 7:30 हो गया है और इस टाइम पे कितना किलोवाट का प्रोडक्शन दे रहा है, मतलब 1200 वाट का प्रोडक्शन दे रहा है इस टाइम पे 7 बजे। ठीक है और पूरा बैटरी चार्ज कर रहा है और जो बाकी पावर उसे लोड चल रहा है, बैटरी को भी चार्ज कर रहा है 1 किलोवाट से और बाकी को लोड चला रहा है, देख रहे हैं। और अभी आपका पावर बढ़ता जा रहा है, जितना टाइम बीतता जा रहा है पावर आपका बढ़ता जा रहा है, 1200 वाट से भी ज़्यादा हो गया अभी। और देखिए सफिशियंटली सब चला रहा है, 7% हो गया 4% से और कितना एम्पियर से चार्ज कर रहा है वो भी दिखा देते हैं। देख रहे हैं 21.5 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। अभी देखिए थोड़ी देर में पावर कितना बढ़ गया, थोड़ी देर में पावर कहाँ से कहाँ चला गया, 1200 से ऊपर चला गया, मतलब बढ़ता जा रहा है, जितना टाइम बीतेगा उतना बढ़ता जाएगा। अभी क्या ऑन किया, मोटर का ऑन किया सिर्फ ना? नहीं ये गाड़ी चार्जिंग है, गाड़ी चार्जिंग की है तो 2 किलोवाट का लगभग है, 2 किलोवाट से ज़्यादा ही का है, ये 2.5 किलोवाट का लगभग पावर ले रहा है सोलर से। ठीक है इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज पे, इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज कर रहे हैं अभी मॉर्निंग के टाइम में, इलेक्ट्रिक कर इनका जो गाड़ी है ट्रक है छोटा वाला वो जो चार्ज कर रहे हैं, तो अभी चार्जिंग पे लगाए हैं तो इतना पावर ले रहे हैं और दिखाते हैं आपको कौन सा गाड़ी चार्ज कर रहे हैं। ये तो पूरा सोलर पे ही चल ही रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रिक जो इनका गाड़ी है वो चार्ज पे लगाए हैं, तो ये जो गाड़ी है वो चार्ज पे लगाए हैं सोलर पे ही सुबह सुबह, ये देख रहे हैं ये चार्ज हो रहा है। यहाँ हमने वाईफाई का कनेक्टिविटी जो है पूरा सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, अभी आपको इसमें ब्लिंक भी करेगा वाईफाई में, नेट वाला जो पॉइंट है वो ब्लिंक कर रहा है, मतलब इंस्टॉल हो गया है। अब लगभग 5 से 10 सेकंड का टाइम लेगा और पूरा ये यहाँ पे डाटा शो करने लगेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको शॉर्ट में बताऊँगा कि वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में, तो ये ऐप डाउनलोड करने के बाद जो सोलर स्मार्ट मैन है वो डाउनलोड करने के बाद तो पूरा रजिस्टर करने के बाद तो यहाँ तक आ ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो दिक्कत आती है वो आती है
इसके वाईफाई कनेक्टिविटी में, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाता रहता है तो वहाँ पे दिक्कत आता है, तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे वो बताते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे डिवाइस में, डिवाइस में आने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन दिखाएगा, क्योंकि कनेक्ट नहीं रहेगा तो ऑफलाइन दिखाएगा। तो जाएंगे डिवाइस नेटवर्क में, डिवाइस नेटवर्क में क्लिक करने के बाद यहाँ मेरा वाईफाई कनेक्टिविटी हो चुका है इसलिए ऐसा शो कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं शो करेगा। आपको यहाँ पे आपका पूरा डाटा दिखाई आएगा कि आप यहाँ पे कौन कौन हॉटस्पॉट ऑन है। तो पहले आपका अपना हॉटस्पॉट यहाँ टच करना है और उसका पासवर्ड डाल देना है जिससे कनेक्टिविटी हो जाए, और फिर से बैक लेने के बाद फिर से यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, वो फिर से वही पासवर्ड डाल के यहाँ पर सेट स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपके जो इन्वर्टर है उसका पासवर्ड मांगेगा, उसका टच करने के बाद पासवर्ड मांगेगा, तो फिर उसका भी पासवर्ड वहाँ लिखा है बार कोड पर, तो वो भी पासवर्ड डालने के बाद जब ओके करके आप बैक लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा देर आपको ये इस तरह से शो करने लगेगा, मतलब कनेक्टिविटी हो गया, पावर चला गया 2.5 किलोवाट से ऊपर, इससे आपका बैटरी का चार्ज कर रहा है। अभी ये वाला बैटरी को भी रोक लिया है, ये वाला बैटरी चार्ज कर रहा है। मोटर चल रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रहा है, वो गाड़ी वाला बैटरी चार्ज कर रहा है, मोटर चल रहा है, मोटर चल रहा है पानी वाला, और बैटरी चार्ज कर रहा है, और ये वाला भी बैटरी चार्ज कर रहा है। बताने वाले हैं कि इस जो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है। तो यहाँ पे टोटल 20 पैनल लगे हैं, तो ये जो एक पैनल है, इस एक पैनल का कॉस्ट है 18,400, एक पैनल 18,400 का है, प्लस ये जो इन्वर्टर लगा है वो इन्वर्टर 2.5 लाख का है, और यहाँ जो बैटरी लगा है वो बैटरी है 1,38,000 का, और ये पूरा लगाने का जो टोटल कॉस्ट आया है, मतलब इंस्टॉल करने का, ये लाइटिंग से लेकर के वो अर्थिंग से लेकर के जितना पाइपिंग सारा कुछ है, इंस्टॉलेशन में जितना कुछ खर्चा हुआ है उसका टोटल कॉस्ट हमने लिया है इनसे 80,000 रुपया, और प्लस जो ट्रांसपोर्ट लगा है यूपी से बिहार आने में, वो जो ट्रांसपोर्ट लगा है वो ट्रांसपोर्ट इन्होंने पे किया है। और पेमेंट का हमारा जो टर्म रहता है, स्टार्टिंग में हम लोग कम से कम 60-80% रुपया लेते हैं एट ऑर्डर टाइम, उसके बाद जब डिलीवरी दे देते हैं तो कुछ रिमेनिंग अमाउंट लेते हैं, और लास्ट में जो बच जाता है जो टोटल अमाउंट रहता है वो लास्ट में हम लोग इंस्टॉलेशन होने के बाद लेते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा जो वीडियो है अगर पसंद आया है तो काइंडली जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन टच कर लीजिएगा, और इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल के थ्रू।